To watch more of Bollywood entertainment, download Shemaroo Me app now. Inspector Sahab, yahi Mr. Shyam. Giraftar kijiye ise. Mr. Shyam, aapko bigamy ke case mein giraftar kiya jata hai. Magar kyun? Ek shaadishuda biwi ke hote hue aapne dusri aurat se shaadi ki, ye qanoonan jurm hai. Ye ilzaam jo aap mujh par laga rahe hain ye in sab baaton ka jawab mujhe nahi अदालत में दीजिएगा। तो आप कर रहे हैं उन तीन जिंदगियों की जो पाक हैं, साफ हैं, बेगुनाह हैं। योर ऑनर, कानून की कोई भी किताब जिंदगी की किताब से बढ़कर नहीं हो सकती, और मेरी जिंदगी की किताब के हर पन्ने पर इनके इल्जामों का जवाब लिखा है, मौजूद है। लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। मेरा नाम गोपाल है। अच्छा नाम है सर। मैं वो अकाउंटेंट की नौकरी के लिए आया हूँ सर। इस अखबार में आपका एडवर्टाइजमेंट है। देखिए, एड में साफ लिखा है ट्यूसडे, और आज मंडे है, आप कल आइए। लेकिन सर, अगर मैं कल आया तो काम मुझे नहीं सर, किसी और को मिल जाएगा। ऐसे क्यों? क्या आप अकाउंटेंट बनने के काबिल नहीं? काबिल तो हूँ सर, लेकिन मैं हरिजन हूँ सर। हरिजन है तो क्या हुआ, कल आइए। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर, खूब मेहनत से काम करूंगा। आप जितनी चाहे मुझे सैलरी दें, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सर। फिर भी आप कल आइए। मेरी एक बेटी है सर, उसने दो दिन से खाना नहीं खाया। आज अगर नौकरी नहीं मिली तो सांस लेने का भी दम नहीं रहेगा। आइए मेरे साथ। ये कागजात की फाइल्स हैं और ढेर सारे बिल्स। अब क्या करना है आप जानते हैं। मैं अभी कर देता हूं सर। अभी नहीं, पहले जाइए अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाइए, ताकि आप में काम करने की ताकत आ जाए। आप महान हैं सर, आपके इस उपकार को किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम श्याम है, और आप गोपाल बाबू मेरे अकाउंटेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आधार राधा, देख मैं खाना लेकर आया हूं, ये देखिए। खाना कहां से ले आए बाबा? बताता हूँ, मैं नौकरी ढूंढने निकला था ना, तो एक अखबार में एक फिशिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पड़ा, एक अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं सीधा कंपनी के मालिक श्याम बाबू के पास चला गया। क्या? हाँ। उनका नाम श्याम बाबू है? हाँ। तो पहले खाना तो खा ले। पहले तो उन्होंने कह दिया कि कल आ जाइए, फिर क्या हुआ बाबा? फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने उनको बता दिया कि मैं हरिजन हूँ, फिर भी कहने लगे कल आइए। तब हार मानकर मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी एक बेटी है, उसने दो दिन से खाना नहीं खाया, अगर आज भी काम न मिला तो सांस लेने की भी ताकत नहीं रहेगी। बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे नौकरी दे दी, और ये देख पेज की तनख्वाह भी पकड़ा दी, और कहने लगे जाइए जाइए घर जाइए और अपनी बेटी के साथ बैठ के खाना खाइए। अरे राधा बिटिया, आजकल की दुनिया में कहां मिलते हैं ऐसे इंसान। अरे इंसान तो इंसान, मैं तो श्याम बाबू को भगवान का दर्जा देता हूँ, भगवान का। सुनो, मुझे माफ कर दो, क्या क्या नहीं कहा मैंने तुम्हें। ये तक कहा कि आज बाबा को नौकरी न मिली तो कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी,
और आज तुम इंसान बनकर वहां पहुंच गए बाबा को नौकरी देने के लिए। नाम तक नहीं बदला तुमने कन्हैया, अपना नाम श्याम रख लिया। इस धरती पर तुम फिर से मेरे लिए श्याम बनकर उतरे हो तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। विजय, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे काम को देख रहा हूँ। क्या मैं अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ सर? बिल्कुल उसका उल्टा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछूं, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे यहाँ तो तुम एक नौकरी करते हो, तुम्हें मिलेगा भी तो क्या फायदा मिलेगा? ये क्या कम है सर, आप जैसा आदमी जिसकी मेहनत ने राई के चंद दानों से पहाड़ बना लिया हो आज मेरे काम की तारीफ कर रहा है। तारीफ तुम्हारे काम के लिए काफी नहीं है विजय, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। देना ही चाहते हैं सर, तो एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत दे दीजिए जिससे अपने सिवाय किसी की नौकरी न करनी पड़े। तो सुनो, शुरू शुरू में मेरे पास एक भी नाव नहीं थी और मैं तुम्हें एक नाव दूंगा। बाकी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किस्मत क्या नहीं कर पाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल बाबू, आप उधर क्या देख रहे हैं? सपना। सपना और खुली आंखों से? गोपाल बाबू, ये कैसा सपना है जो मैं परसों से खुली आंखों से देखता आ रहा हूं? आप वो शिप देख रहे हैं? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा भी ऐसा शिप। ये आपका सपना सच हो सकता है सर। कैसे सर? मॉरिशस में बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं। ये देखिए, इस पेपर में बैंक ऑफ मॉरिशस का एडवर्टाइजमेंट है, आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं सर। अरे कहां चल दिया सर? बैंक ऑफ मॉरिशस। इस ड्रेस में? हाँ, ये मेरा बिजनेस ड्रेस है, फिशरमैन हूं ना। इसमें कोई शक नहीं श्याम, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट साउंड भी है और प्रॉफिटेबल भी है। आई एम रियली इंप्रेस्ड। थैंक यू सर। मैं देख रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा पूरा वजूद डूबा हुआ है, तुम्हारे इरादों में काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस की कमी है तुम में। आपको मुझ में एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही, लेकिन मेरे इरादों की मजबूती आपको दिखाई नहीं दे रही। देखिए ना सर, इरादे मेरे पास हैं, पैसा आपके पास है, अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? केवल मजबूत इरादों पर ही लोन नहीं दिया जाता श्याम। जिस बिजनेस के लिए क्लाइंट को लोन दिया जाता है उसका क्लाइंट को एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। गुस्सा की माफ करना सर, मुझे अपने इरादों पर विश्वास है, इसलिए लोन तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। ठहरो श्याम, आई लाइक यू। आज शाम को एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, बैंक के डायरेक्टर भी आ रहे हैं, तुम भी आ जाना। आओ भाई श्याम, इन लोगों से मिलो, ये सब हमारे बैंक के डायरेक्टर्स हैं। मिस्टर विजीरानी, हेलो। मिसेस विजीरानी, नमस्ते। मिसेस जैन, नमस्ते। मिस्टर जैन, हेलो। और ये मेरी धर्मपत्नी, धर्म कम करती है और पत्ते ज्यादा खेलती हैं। और ये मिस्टर संपत, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। किसी जमाने में ये शिपिंग बिजनेसमैन थे, वो तो सब खैर आजकल मेरे साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर श्याम, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप शिप के बारे में क्या जानते? मैं तो पैदा ही शिप पे हुआ था, बचपन से मछलियां पकड़ता रहा, तरह तरह की नाव पे सोया और जागा हूं। ऐसी एक बड़ी नाव को शिप कहते हैं। अरे भाई, खुद भी डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। आजकल के शिपिंग लाइनर को देखोगे बगुड़दार तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलता फिरता फाइव स्टार होटल होता है जिसमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, शॉपिंग सेंटर वगैरह वगैरह क्या क्या कुछ नहीं होता। तहजीब इजाजत नहीं देती, वरना आप पर हंसने को जी चाहता है। आपसे किसने कह दिया कि मैं एक लग्जरी शिप खरीदना चाहता हूँ?
मैं तो एक कार्गो शिप खरीदना चाहता हूँ जिसमें डीप फ्रीज हो, मछली साफ और सुखाने का अलग अलग डिपार्टमेंट हो। देखो ना, मिसाल के तौर पर मॉरिशस के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आइलैंड वी यूनियन। वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा है, यहाँ की महंगी से महंगी चीज भी उन्हें सस्ती लगती है। मछलियों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सोचो ना, दौलत हमारा इंतजार कर रही और हम खामोश खड़े हैं। Well said, very well said, I must say. क्या ख्याल है, क्या जोश है। ये मेरी बेटी है। मेरा नाम रुक्मणी है, लोग मुझे प्यार से रुकू कहते हैं। मुझे शाम मैं जानती हूँ, जब से दादी बैंक से आए हैं आपके विश्वास की दाद दे रहे हैं। शाम, कुछ देर के लिए इन लोगों को अकेला छोड़ दो, बड़े लोग हाँ कहने में जरा देर लगाते हैं। Come on. पार्टी में कैसा लग रहा है? Are you enjoying? बहुत खूबसूरत। मेरे भी बहुत से सपने हैं, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूं। और मेरे यहाँ भी बहुत सी पार्टियां। ऐसे सपने मत देखिए। क्यों क्यों क्यों? आए दिन रोज ऐसी पार्टियां होती रहती हैं, वही लोग, वही चेहरे, वही गॉसिपिंग। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब से। और मैं ऐसे रहन-सहन के सपने परसों से रात रात भर आंखें खोलकर देखता आ रहा हूँ। पहले तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इन सब से मन उकता गया है। I'm fed up. लेकिन आज आपको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक ताजा हवा का झोंका आ गया हो। जानती हो ऐसा कब होता है? कब? जब एक खूबसूरत लड़की जवान हो जाए। बीवी जी, साहब को बुला रहे हैं। चले। आपने हमें बुलाया? हाँ, भाई शाम को एक खुशखबरी सुनानी थी। बैंक के डायरेक्टर्स की राय तुम्हारे फेवर में है, बस समझ लो कि लोन सैंक्शन हो गया, बाकी बातचीत कल सुबह आकर बैंक में कर लेना। नो सर, अब मुझे लोन नहीं चाहिए, मैंने अपना इरादा बदल दिया। जीजा जी, आप तो कहते थे कि ये बहुत उस्ताद है, लेकिन ये तो मां उस्ताद निकला। यस, फर्स्ट टाइम यू आर राइट। जब देखो तब घर सगा। कहाँ रहती हो आजकल? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। देख रहे हैं आप इसकी खामोशी, कुछ बात ही ऐसी है मम्मी, जरा पर्सनल मामला है। रेनू, लगता है हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। Thank you.
वो तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली जुलम तूने कर डाला प्यार में रंग डाला ओ हो बिना बंदूक चल गई गोली तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली जुलम तूने कर डाला प्यार में रंग डाला सर में से पानी पानी होली ओ मेरी पहली टंग की चोली गुड आफ्टरनून सर आज क्या बात है आप ऑफिस में होली नहीं खेली आप तो जानते हैं सर मेरे साथ कौन होली खेलेगा अरे हम खेलेंगे आपके साथ होली जमाना चाहे खेले या ना खेले क्या कर रहे हैं सर पेपर्स खराब हो जाएंगे खराब हो जाने दो
अरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं सर। अरे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं? सर मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। आपको एक बहुत बड़े ट्रस्ट की तरफ से 1 करोड़ का लोन मिल रहा है सर। अब वो शिप आप खरीद सकते हैं। रियली? सर, लेकिन ये पेपर्स कल ही उन्हें देने हैं। हाय रुको। हाय, क्या कपड़े नहीं बदले? अभी तक होली का मूड है क्या? अरे तुम ऊपर तो आओ। क्या बात है? अरे आओ तो सही, कम ऑन। हाय, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बिजनेस की बात है। रुकू, ये हमारे गोपाल बाबू, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। नमस्ते। आज इन्होंने होली नहीं खेली, कहने लगे कि आज हमारे साथ कौन होली खेलेगा, क्योंकि हम तो हरिजन हैं। हरिजन की औलाद, निकल यहाँ से, निकल। मम्मी, आपने उसे क्यों डांटा? अरे रोते नहीं बेबी, देखो ये हरिजन बहुत गंदे होते हैं, इनके साथ कभी न खेलना। क्या हुआ? मैं हरिजन हूं ना सर। व्हाट नॉनसेंस। क्या हुआ रुको, क्या बात? देख रही, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कहो तो धक्का मार दे। यस प्लीज। लेकिन बड़े लोगों की गाड़ी एक गरीब आदमी से कैसे धकेली जाएगी? तो किसी और को बुलाओ। अरे आज तो होली का त्योहार है, सब छुट्टी पर हैं। हाँ कहो तो गोपाल बाबू को बुला लूं? किसी को भी बुला लो। सोच लो, वो अछूत हैं। बुला लो। चलो बुला ही लेते हैं। गोपाल बाबू, ओ गोपाल बाबू, आइए आइए गोपाल बाबू, जरा धक्का मारिए, चलिए। ए बड़ी हल्की है। घर जाकर गाड़ी को भी नहला लेना और खुद भी नहा लेना। सर मेरी खातिर आप रुक्मिणी जी को ऐसे नहीं। गोपाल बाबू, आपके लिए मेरे दिल में क्या इज्जत है आप जानना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.